थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पाक नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के लिए आज मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि उसने मुझे फिर से आप लोगों के साथ प्रभु का वचन बांटने का समय दिया। परमेश्वर की बड़ी कृपा हो और यकीनन आज प्रभु आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे, क्योंकि प्रभु बहुत महान है जीजो, और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को वो जानते हैं। हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है और हमेशा याद रखना है कि आपने हमेशा प्रार्थना में बने रहना। हालेलुया, प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना हमारे जीवन के तमाम रिश्तों को खोल देती है, और इसलिए प्रार्थना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रार्थना के बिना हम कुछ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो मैं बता रही थी आपको प्रार्थना के बारे में, प्रार्थना के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है, और आप सब लोग लगातार अपने चर्च के लिए और रोशनी की किरण मिनिस्ट्री के लिए आप प्रार्थना करें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पिछले हफ्ते संडे के, परमेश्वर ने हमारे ऊपर रहम किया है, परमेश्वर ने हमारे ऊपर कृपा की है। जो भी झूठा आरोप लगाया गया था वो आरोप साबित नहीं कर पाए हैं, और क्योंकि परमेश्वर बहुत भला है। आमीन। जल्दी एक वीडियो के साथ मैं लाइव होंगी, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जो पुलिस को हमने दिए हैं, जिसके वजह से परमेश्वर ने हमें आज़ादी दी है उस झूठे केस से, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सबको सच्चाई का पता हो कि सच्चाई क्या है। और अब जो हमारी जो इस टाइम जो परिस्थिति है, अभी भी जो जगह है चर्च की उस पर उन लोगों का कब्जा है जिन्होंने गलत तरीके के साथ झूठा केस दायर करके सारा सामान चर्च का उठाया। स्टिल अभी भी सारा सामान जो पुलिस स्टेशन में है, जमशेद थाने में है, और अभी भी हम लोग रोड में हैं। कोई अभी रिस्पांस नहीं आया है कुछ भी, अभी सिर्फ प्रार्थना चल रही है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ इस सारे जो मैटर जो हुआ है चर्च के साथ, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये आप सब जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मसीह भाई बहन हैं उन सब के साथ ये घटना हुई है, क्योंकि बहुत लोगों की कॉल्स आई, बहुत लोगों ने प्रार्थनाएं भी की, और मैं जानती हूँ कि समूह जो मसीही हमारे बहन भाई हैं वो बहुत दुखी थे इस घटना से, और सब लोग प्रेयर कर रहे हैं। कहूँगी आपसे कि प्रार्थना ही एक बहुत बड़ा हथियार है। अभी तक चर्च का कोई इंतज़ाम नहीं है, अभी भी कोई अरेंजमेंट नहीं है, बस प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, और क्योंकि खुदा के लोग हैं, बाइबल कहती है माफ़ करना ज़रूरी है, और रियली मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता। मेरे अजीजों, परमेश्वर के अगर हम आगे प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर में ब्लेस करेगा, और अभी जो हमारे विरोधी है जिन्होंने ये गलत कार्य किया है, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। अभी वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, अभी भी अब की जो सिचुएशन ये है कि वो लोग माफ़ी मांगना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि मसीह लोगों ने माफ़ कर दे। तो यकीनन हम सब माफ़ करेंगे, तो आप सब लोग प्रार्थना में रखें इस विषय को, और मैं कल आप लोगों को बताऊंगी कि जो भी हमें करना है, तो अगर वो लोग जैसे भी जो भी फैसला होगा जब भी होगा तो वो सब सब लोगों के सामने होगा, लाइव हम करेंगे वो फैसला भी,
ताकि सब भाई बहनों को पता हो कि जो भी हमने डिसीज़न लिया है वो कौन सा डिसीज़न लिया है और किस वजह से डिसीज़न लिया है। फ़िलहाल अभी चर्च के लिए कुछ भी जगह का कोई इंतज़ाम हुआ है और इसलिए आप सब लोग प्रे करो, देखते हैं कि खुदावंद किस प्रकार से हमारे लिए अपने डिवाइन हेल्प खड़े करते हैं और किस प्रकार से परमेश्वर इस सारे मसले में अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने अभिषेक के द्वारा इसका सोल्यूशन करते हैं। आमीन। आज अजीज़ों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मत्ती उसके 7 उसके 13 वचन को आपके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है के हालेलुया। यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि अभी प्रेयर रूम में हूँ मैं और बहुत परेशानी है यहाँ पे नेट की, सो इसलिए थोड़ा टाइम ही मैं लाइव रह पाऊँगी। सो वचन कहता है स्केत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और सरल है वे मार्ग जो विनाश को जाता है। अजीजो जो सच्चाई का रास्ता है, सच पे चलने वाले लोग जो होते हैं उनका जो रास्ता होता है बहुत ही सकरा होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर जी, आपकी तारीफ हो खुदावंद, धन्यवाद हो। मैं आपको बता रही थी कि वो फाटक जो सच्चाई की ओर जाता है वो फाटक बहुत ही सकरा है और जो विनाश की ओर जाता है वो बहुत ही चौड़ा है। देखो क्योंकि बाइबल हमें दो रास्तों के बारे में यहाँ पे बता रही है, एक बहुत ही सकेत मतलब बहुत ही और एक बहुत ही सरल रास्ता, दो रास्ते हैं। ये दोनों रास्तों में से हमें एक रास्ते पे चलना है। जो चौड़ा है वो रास्ता विनाश की ओर लेके जाता है हमें, जो सरल है जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, परेशानी नहीं है, एक वो रास्ता है जो बहुत ही सकरा है। 14 वचन कहता है क्योंकि सकेत वे फाटक और कठिन है वे मार्ग जो जीवन को अजीज़ो, जो रास्ता सच्चाई की ओर जाता है वो बहुत ही सकेत है, बहुत ही मुश्किल भरा है। आसान होता है झूठ बोलना, पाप करना, बुराई करना, गलत रास्ते पे चलना, और आप जानते हो कितने लोग हैं जो उस रास्ते पे चलते हैं और उस रास्ते पे कोई कठिनाई नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो आपके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, बहुत सारे आपका विरोध करेंगे, बहुत सारी आपको तकलीफ़ों से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे आपको आंसुओं से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सच्चाई पे चलता है वो हमेशा दुख उठाता है। याद रखिए दुख हमें सज़ा नहीं है, दुख का मतलब सज़ा नहीं है, दुख का मतलब वो कीमत है जो परमेश्वर के पास आने, परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें चुकानी पड़ती है। आपके ऊपर जितना दुख आएगा आप उतने ही खुदा के करीब जाएंगे, उतने ही ज़्यादा मसा आपके ऊपर आएगा, उतनी ज़्यादा। आप बताया कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत पाप करता था। उसने कहा मेरे पास सब कुछ था, गाड़ी थी, बंगला था, पैसा था, लेकिन जिस दिन से उसने कहा मैंने पाप करना छोड़ा है, मैंने जब से परमेश्वर पे भरोसा करना शुरू किया है तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो मैंने उसको वचन का हवाला देकर यही समझाया कि वो मार्ग, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर, सॉरी यहाँ पे बहुत बहुत समस्या आया कनेक्शन की, बिकॉज यहाँ पे टावर की बहुत प्रॉब्लम रहती है। सो दैट वॉज बीच बीच में मुझे फिर से वो जो चल नहीं पा रहा, मैं लाइव नहीं हो पा रही हूँ, बट एनीवे इसे हम प्रार्थना करेंगे ज़रूर, परमेश्वर जल्द से जल्द इस समस्या का भी हल करेंगे क्योंकि सब कुछ वो करने वाले हैं। बता रही थी कि वो रास्ता जो सच की ओर जाता बहुत कठिन है और बाइबल कहती है वह मार्ग जो जीवन को पहुँचता है, और मेरे से तो वो रास्ता जो सच्चाई की ओर जाता है उस रास्ते पे वो रास्ता जीवन को पहुंचता है,
और बाइबल कहती है बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि वो सच जो उसे बहुत कम और बहुत कम लोग उस रास्ते पे चल पाते हैं और वो जीवन के उस मुकुट को हासिल कर पाते हैं। इसलिए अजीजों, जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, परेशानियाँ आती है, हमेशा एक बात याद रखना कि आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दैट मीन्स कि आप सच्चाई पे चल रहे हो। अगर आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप समझ लो अभी आपने वो मार्ग चुना नहीं है जो सच्चाई की ओर चलता है। अगर आपके रास्ते में कांटे हैं, तकलीफ़ें हैं, दर्द है, परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स है, तो समझ लीजिए कि आपने सच्चाई के रास्ते को अख्तियार कर लिया है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है अभी भी, तो अभी भी आप समझ लो कि अभी आपने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया है। प्रॉब्लम एक साइन है, दुख एक साइन है, समस्याएं एक साइन है आपकी ब्लेसिंग की, आपकी सच्चाई का। हाँ, ये बंदा सच्चा है, इसलिए इसको इतनी कठिनाइयों से होके गुजरना पड़ रहा है। परंतु याद रखो, इन कठिनाइयों में, इन दुखों में अगर हम वफादार रहें तो हम जरूर उस जीवन तक पहुंचेंगे, उस जीवन के मुकुट तक पहुंचेंगे जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी हुई है। इसलिए कभी मत घबराना दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, क्योंकि जो मार्ग थैंक यू लॉर्ड फादर अजीज़ो, वो रास्ता जो सच्चाई की ओर, जो सत्य है, सच्चाई का रास्ता है, बहुत कठिन है और उस रास्ते पे चलकर ही हम जीवन के मुकुट को हासिल करेंगे। इसलिए मत घबराओ, मत डरो। परमेश्वर जिस मार्ग पे हमें लेके जा रहे हैं वो मार्ग सत्य का मार्ग है और उस मार्ग पे चलने के लिए हमें बहुत तकलीफ़ों से होके गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे दुखों से होके गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी निराशा से होकर गुजरना पड़ेगा, बहुत सारी तकलीफ से होकर गुजरना पड़ेगा। और थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो मेरा विश्वास रखना है, अगर आप तकलीफ़ों से गुजर रहे हो तो याद रखो परमेश्वर हमें एक उस मार्ग पे लेके जा रहा है जो सत्य का मार्ग है, जो जिस पर चलकर हम जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेंगे जो बड़ी ब्लेसिंग परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। सो इसलिए कभी भी ज़िंदगी की समस्याओं से आपने कभी नहीं घबराना। आज मैं अच्छे से वो चीज़ आपको बता नहीं पा रही हूँ बिकॉज बीच बीच में जैसे एकदम से नेट नहीं। सो मेरे अजीज़ों, आज सबको यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि आपने अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों हमें कठिन मार्ग पे लेके जा रहा है, दैट मीन्स कि बड़ी ब्लेसिंग हमारे जीवन का हिस्सा होगी। सो इसलिए मेरे अजीजो, प्रभु के ऊपर आपने विश्वास रखना। अभी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी। सो मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ दुआ में चले, क्योंकि बहुत समस्या है यहाँ पे नेट की। सो कल मैं फिर लाइव रहूँगी आपको कि नेक्स्ट हमने क्या करना है और क्या आप किस प्रकार से जो तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद। सो आप सबके लिए मैं प्रार्थना करूँगी। मैं चाहूँगी खुदा पर आप पूरी तरह से अपना ईमान लाए, क्योंकि परमेश्वर आपको ज़रूर प्रेस करेंगे। अरे खुदा बाप, मैं तेरे के प्रार्थना कर दिया, जितने भी परमेश्वर जन मुझे लाइव देखने प्रभु, एक एक को पवित्र आत्मा अपने पाक पवित्र लहू में छुपा लाइव देख रहा प्रभु जी, हर एक के ऊपर मैं तेरी आशीष और ब्लेसिंग को बोल देती हूँ, रखता हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी, आज प्रभु जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं खुदा बाप जी, उनकी जितनी बीमारियाँ, प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, बोझ है, हर तरह की समस्याएँ यीशु के नाम से चली जाए पिता परमेश्वर जी। और परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज अपना सीधा हुआ हाथ अपने लोगों की ओर बढ़ा पिता परमेश्वर जी, और अपने लोगों को छू के ब्लेस कर दे पिता परमेश्वर जी। तेरी प्रभु एक को छू आज पिता परमेश्वर जी, तेरा सामर्थ्य